सड़क पर रेड लाइट के पास आपने काफी भिखारियों को भीख मांगते देखा होगा और कई बार आप लोगों ने भी उनको भिखारी समझकर कुछ ना कुछ पैसे भी जरूर दिए होंगे। लेकिन असलियत में आप उन बैगर्स की सच्चाई तो जानते ही नहीं है और ऐसा भी हो सकता है कि उनकी सच्चाई जानने के बाद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाए। कुछ बैगर्स की ऐसी कहानी है जिनके पास अपना खुद का फ्लैट और ऐश आराम वाली जिंदगी और वो सब कुछ है जो वो चाहते हैं। ये सुनने के बाद आप क्या कहोगे, क्या आप यकीन कर पाओगे कि इस दुनिया में ऐसे भी लोग होते हैं? दो लखपति भिखारियों की तस्वीर। भिखारी के पास 2.25 लाख रुपए कैश और करीब 9.25 लाख की एफडी देखकर पुलिस भी हैरान रह गई। He was just another beggar on the side of an American road, but his sign made a claim. Hello and welcome back to our new video, Be Virtual Knowledge. आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे रिच बैगर्स की कहानी बताने जा रहे हैं जिसको सुनकर आप भी एकदम हैरान हो जाएंगे। अगर आप भी जानना चाहते हो इनके पीछे की कहानी कि आखिर इन सब के पास इतने पैसे कहां से आए, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। पहले रिच बैगर का नाम है भरत जैन। तो अगर बात करें भरत जैन की, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि दुनिया के सबसे अमीर भिखारियों में से ये एक है। भरत मुंबई में रहता है और क्या आपको पता है कि वो महीने में 75,000 रुपए कमा लेता है? और यही नहीं, ये सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे कि इसके पास अपना मुंबई में खुद का 80 लाख का 1 BHK डुप्लेक्स अपार्टमेंट भी है और जो अपार्टमेंट है उसका रेंट महीने का लगभग 20,000 रुपए जाता है। आप जरा सोच कर देखिए कि इसके पास इतना पैसा है उसके बाद भी ये इंसान भीख मांगता है। 70-80 हजार महीने में कमाने के बाद भी भरत जैन को मुंबई में भीख मांगने की आखिर क्या जरूरत पड़ गई? मगर दोस्तों ऐसा है, भरत को कई बार लोगों ने सड़कों पर भीख मांगते हुए देखा है। भरत जैन ज्यादातर आप लोगों को मुंबई के आजाद मैदान या छत्रपति शिवाजी टर्मिनल के पास भीख मांगते हुए दिखाई दे जाएगा। आप लोग भले ही दिन में 14 से 15 घंटे की नौकरी करते हो, लेकिन भरत जैन नाम का ये आदमी बिना कुछ किए 10 से 12 घंटे के अंदर 2000 से 2500 रुपए कमा लेता है। जिस फ्लैट में भरत जैन रहता है उस डुप्लेक्स अपार्टमेंट में उनके साथ उनकी पूरी फैमिली रहती है और यहाँ तक कि उनके बच्चे भी कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते हैं। भरत के घर के दूसरे लोग स्टेशनरी चलाते हैं और ये भी पता लगा कि भरत के घर वालों ने उनको भीख मांगने से मना भी किया है, लेकिन इसके बाद भी भरत जैन अपने घर वालों की बात ना सुन के भीख मांगता है। नंबर 2 पर रिच बैगर्स लिस्ट में आती है ईशा। असल में ईशा बाकी कॉमन बैगर्स की तरह सऊदी अरेबिया की स्ट्रीट्स पर काफी बार देखी गई है। और क्या आप जानते हैं कि ईशा ने 50 साल तक सड़क पर भीख मांगने का काम किया है और इतने सालों में जो लोग वहां से अक्सर गुजरते थे वो लोग ईशा को बहुत अच्छे से पहचान गए थे। ईशा जब 100 साल की थी तब सडनली हर लाइफ केम टू एन एंड। ईशा ने अपनी आधी जिंदगी भीख मांगने में ही निकाल दी। जिस दिन ईशा की डेथ हुई थी उसी दिन उनके नेबर्स बहुत ज्यादा हैरान हो गए थे, लेकिन उसके बाद उन सबको एक ऐसी चीज के बारे में पता लगा जिसको सुनकर हर किसी का मुंह बंद हो गया। और आपको पता है कि वो क्या था? उन्होंने देखा कि वो अपने पीछे एक बहुत ही बड़ा राज छोड़कर गई थी। ईशा की मौत के बाद लोगों को पता लगा कि वो गरीब नहीं बल्कि उसके पास 3 मिलियन सऊदी रियाल और एक डिस्ट्रिक्ट की 4 बिल्डिंग्स उसके साथ ही कुछ गोल्डन कॉइन्स भी थे। ईशा नॉट ओनली हैड द पावर ऑफ मनी बट लोगों से उसके अच्छे कामों के बारे में पता लगा, विच प्रूव्स दैट शी आल्सो हैड अ गुड हार्ट। नंबर 3, साइमन राइट। दोस्तों क्या आपको पता है कि साइमन राइट को लंदन बैगर के नाम से जाना जाता है और साइमन राइट एक साल में लगभग 50,000 यूरो यानी की 50 लाख तक कमा लेते हैं। क्या आप जानते हैं कि जिस फ्लैट में वो रहता है उस फ्लैट की कीमत 3 लाख यूरो यानी की 3 करोड़ है? ये फ्लैट उनका वेस्ट लंदन में है। दुनिया के लिए वो एक गरीब इंसान है तो इसलिए जब भी लोग उसे देखा करते थे तो दया करके उसको बहुत सारा कैश देते थे, क्योंकि उन लोगों को ये नहीं पता होता था कि वो गरीब होने के साथ साथ बहुत ज्यादा अमीर भी है। साइमन की माँ नर्स है और ये भी कहा जाता है कि साइमन एक बहुत ही सिद्धांतों वाले परिवार से आया है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल बी वर्चुअल नॉलेज को सब्सक्राइब करना मत भूलना और वीडियो अगर पसंद आई हो तो उसे लाइक भी करना। 4th रिचेस्ट बैगर का नाम है सरवतिया देवी। सरवतिया देवी को बिहार की सड़कों पर कई बार भीख मांगते हुए देखा गया है। और क्या आपको पता है कि सरवतिया देवी एक बहुत ही ज्यादा फेमस बैगर है और वो इसलिए नहीं क्योंकि वो भीख मांगती है बल्कि इसलिए क्योंकि वो बिहार की सबसे रिचेस्ट वुमन होने के साथ साथ इंडिया की रिचेस्ट बैगर में भी आती है। और यहाँ तक कि आप यकीन नहीं करोगे लेकिन सरवतिया देवी ने अपनी इंटेलिजेंस और मैच्योरिटी लेवल से कई लोगों को इम्प्रेस भी किया है। ये हर साल लाइफ इंश्योरेंस के लिए 36,000 प्रीमियम भी किया करती है जो साफ ही बताता है कि अगर कल को उनको कुछ हो जाता है तो एटलीस्ट वो पैसा उनकी कुछ ना कुछ किसी ना किसी तरीके से कुछ हेल्प कर सकता है। ये हर महीने का 40,000 रुपए तक कमा लेती है और यहाँ तक कि वो काफी सारी कंट्रीज में भी ट्रेवल कर चुकी है।
और बस इतना ही नहीं, she owns a house in Patna and a beggar, Savatya Devi, who begs mostly in train, has a property of nearly rupees 10 lakhs. Last and the number 5, Ted Williams. दोस्तों हो सकता है कि आपने टेड विलियम्स का नाम पहले कहीं ना कहीं सुना होगा। लोग इसको द मैन विद द गोल्डन वॉइस के नाम से भी जानते हैं। और अब जिस बैगर की बात हम करने जा रहे हैं, असल में उनकी स्टोरी दूसरे बैगर से थोड़ी अलग है। असल में दोस्तों टेड विलियम्स न्यूयॉर्क में पैदा हुए हैं और ये अमेरिकन अनाउंसर रेडियो पर्सनालिटी होने के साथ साथ एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट भी थे। एक डिकेड रेडियो में काम करने के बाद 1994 में विलियम्स को अल्कोहलिज्म और ड्रग अब्यूज के लिए पकड़ा गया था, जिसके बाद से ही उसने एक होमलेस और साथ एक क्रिमिनल का जीवन जीना शुरू कर दिया था। विलियम्स की लाइफ का जब हार्ड टाइम चल रहा था, उस टाइम पर जॉबलेस होने की वजह से उनकी फैमिली ने भी उनको घर से बाहर निकाल दिया था। जनवरी 2011 में जब उनका एक इंटरव्यू यूट्यूब पर पोस्ट हुआ, उसके बाद विलियम्स काफी ज्यादा फेमस हो गया और उसको काफी सारी जगहों से जॉब ऑफर्स आने लगे। और तब 20 सालों के अंदर बहुत बड़ा चेंज नोटिस किया गया, जहां उसको ये लगा कि अब वो हार्ड वर्क करने लगा है। साथ ही 2011 में ओहायो में कुछ कार ड्राइवर्स ने नोटिस किया कि कोई कार के पास खड़ा होकर गा रहा है, जिसके हाथ पर एक साइन बना हुआ था और वो साइन था मैन विद अ गॉड गिफ्टेड गोल्डन वॉइस का। और सब ने उस साइन को बहुत ध्यान से पढ़ा और साथ ही वहाँ लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई विलियम्स के गाने सुनने के लिए। तो दोस्तों ये थे कुछ ऐसे रिच बैगर्स के गाने जिनका नाम तो बैगर लिस्ट में आता है, लेकिन जो इनका काम है उन्हें सुनकर हर कोई हैरान है। तो कैसे लगी आपको हमारी आज की वीडियो, हमें कमेंट करके जरूर बताना। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो उसे लाइक करना और हमारा चैनल बी वर्चुअल नॉलेज को सब्सक्राइब करना मत भूलना।